previous reaper. Welcome back to my YouTube channel. Remember it. Last video में हमने किया था 4 and 5. और इस video के लिए हमने आपको बताया था कि next video में हम करेंगे 6 and 8. इससे हमारे 6 और 8 होते ही हमारे 1 to 10 के numbers complete हो जाएंगे. तो आज हम आपको बताते हैं कि 6 और 8 को लिखने का सही method क्या है, किस तरह से हम इजी वे में, प्ले वे में बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। करेंगे 6 और 8 कैसे लिखना है देखते हैं। यहाँ डेट लिखेंगे, डे बताएंगे बच्चे को, डे टू डे हो गया, 6 ड्रॉ कर लिया, 6 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, जो भी हमें आसानी से बनानी आती हैं या हम इजीली बना सकते हैं। अब 6 का कोई पार्टीशन नहीं है, कोई डिवाइडेशन नहीं है इसमें, 6 को हम सिंगल डे में भी सीख सकते हैं। हम बच्चे को ये कहेंगे कि बेटा हल्का सा गोल घुमाते हुए नीचे टच करिए, और यहाँ से, क्योंकि बच्चा 10 बनाते हुए 0 सीख चुका है तो वो यहाँ पर 0 इजीली बना लेगा। अब हम बच्चे को सिर्फ इतना कहेंगे कि बेटा गोल घुमाते हुए नीचे लाएं और फिर 10 वाली गोल गोल 0 बना दीजिए। ये बन गया हमारा 6। व्हाट इज दिस 6? व्हाट इज दिस 6? तो 6 बनाने का सिंगल ही डे है, सिंगल मेथड में बच्चा सीख जाएगा सिंगल डे में ही। अब हम बनाएंगे 8। 8 में क्या करना है, हमने 8 ड्रॉ कर लिया, 8 पिक्चर्स ड्रॉ हो गई, 8 के 2 डिवाइड्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें कि बच्चे को कहेंगे जो 10 में हमने 0 बनाई थी, उसी का गोल गोल अंडा बनाया था, वो हम बनाएंगे यहाँ पर इस डॉट को इस डॉट के साथ टच करते हुए। ये व्हाट इज दिस 0? व्हाट इज दिस 0? क्या है ये 0? यहाँ हमने 0 बना ली। नेक्स्ट डे हम नीचे एक डॉट और लगा लेंगे। अब हम कहेंगे बस बेटा टच करते हुए 1 0 की जगह अब हमने 2 0 बनानी है, इसी को टच करते हुए अब यहाँ पर 1 0 और बना दीजिए, थोड़ी सी बड़ी 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 बड़ी, वेरी गुड। अब हमने यहाँ पर ऊपर छोटी 0 और नीचे थोड़ी सी बड़ी 0, बस ये क्या बन गया हमारा 8। अरे वेरी गुड, इतना इजी इजी 8 बना दिया। ये क्यों इजी हुआ, क्योंकि हमारे बच्चे पहले 0 बनाना सीख चुके हैं 10 में नंबर्स की फर्स्ट वीडियो में। तो ये है हमारा 8। इस तरह से हमारे बच्चे 6 और 8 बनाना भी सीख चुके हैं, मीन्स वो 1 टू 10 की काउंटिंग कंटिन्यू लिख सकते हैं। इसी के साथ ही बच्चे 1 टू 10 नंबर्स पूरी तरह से सीख चुके हैं, क्योंकि हमने उन्हें इजी से टफ पॉइंट पर हम उन्हें लाए हैं। सबसे पहले हमने उन्हें 1, 4, 7, 10 ये सिखाया है, फिर हमने उन्हें 2 और 3 सिखाया, देन 4 और 5, देन 6 और 8, इस तरह से वो 1 टू 10 पूरा कर चुके हैं। तो अब हम ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे 1 टू 10 की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। उनकी राइटिंग कैसे अच्छी आए, उसको कैसे पार्ट्स में करवाना है, उन्हें अप्रिशिएट कैसे करना है, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 टू 10 के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट कैसे कम्प्लीट करने हैं हमने और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।